बार दावा करा है कि मुख्तार मरा नहीं है बल्कि उसे जेल में जहर देकर मरवाया गया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को मुख्तार अंसारी की एक ऐसी एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट मिली है जो इस बात को साफ बताती है कि मुख्तार अंसारी कोई तंदुरुस्त आदमी नहीं था, वो बहुत बीमार था, कई साल से उसे बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द, ये वो दिक्कतें हैं जो माफिया डॉन मुख्तार पर मौत बनकर मंडरा रही थी। एक नहीं, कई खतरनाक बीमारियां मुख्तार की जान की दुश्मन बनी बैठी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद ये वो एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुख्तार अंसारी को कोई एक आध नहीं बल्कि कई बीमारियां थी। ये मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है कि मुख्तार को शुगर और हाई बीपी तो था ही, उसका दिल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। यह मुख्तार अंसारी की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट है। तब मुख्तार को यूपी के बांदा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच हुई तो पता चला कि मुख्तार को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर तो है ही, उसकी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज तक पाई गई है। मुख्तार के सीने में दर्द था, यानी उसके दिल को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस वजह से मुख्तार को ऐसी दवाएं दी गई थी जिससे उसे दिल का दौरा ना पड़े। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद मुख्तार की अगली रिपोर्ट मार्च 2019 की है, जब मुख्तार को चंडीगढ़ के नेहरू अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। नेहरू अस्पताल ने भी अपनी रिपोर्ट में मुख्तार को हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीपी की बीमारी लिखी थी। ये तो अस्पतालों की लिखी मेडिकल रिपोर्ट है। न्यूज 18 इंडिया के पास वो चिट्ठी भी है जो 2019 में मुख्तार अंसारी ने पंजाब की रोपा जेल से खुद राष्ट्रपति को लिखी थी। ये चिट्ठी मुख्तार अंसारी का कबूलनामा है जिसमें उसने खुद कहा कि उसे जेल में दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है और उसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हैं। यानी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जानता था कि वो बहुत बीमार है, उसने खुद माना था कि उसे कई बीमारियां हैं। बल्कि इससे एक साल पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने भी राष्ट्रपति को अर्जी दी थी जिसमें उसने कबूला था कि उसके पति को हाई बीपी, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी की कई गंभीर बीमारियां हैं और उसे जेल में हार्ट अटैक भी आ चुका है। चार साल पहले फरवरी 2020 में जब पंजाब के रूपनगर में मुख्तार का इलाज करवाया गया था तो वहां भी डॉक्टरों ने कहा था कि उसे डायबिटीज है। मुख्तार अंसारी की एक नहीं कम से कम 10 मेडिकल रिपोर्ट यही दावा करती है। 2021 से 2024 के बीच बांदा जेल में सजा काटने के दौरान 3 साल में मुख्तार अंसारी ने 84 बार डॉक्टर्स को दिखाया था। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद इन मेडिकल रिपोर्ट से मुख्तार के घर वालों के दावे कटघरे में हैं। यहां तक कि सूत्रों का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मुख्तार अंसारी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया था और इसी वजह से उसकी मौत हुई। सूत्रों का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साबित हुआ है कि मुख्तार को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी थी, लेकिन सियासी दल मुख्तार के परिवार के सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आजादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
सच जानने का हर हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल वाले, ये होता है, और जो भी हुआ होगा वो सच सांप के सामने आया है। मुख्तार का परिवार भले ही उसे जहर दिए जाने का दावा कर रहा हो, मगर न्यूज 18 इंडिया को मिली उसकी मेडिकल रिपोर्ट बहुत बड़ा सबूत है, जिन्हें देखने के बाद मुख्तार के परिवार के दावों में दम नजर नहीं आ रहा। तो मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट ये साफ तौर पर बताती है कि वो कई सालों से बीमार था। अब आपको एक बार तफसील से बताते हैं कि किस तरह से मुख्तार लंबे समय से बीमार चल रहा था। देखिए, साल 2021 से 2024 तक मुख्तार का बांदा जेल में इलाज चला। मुख्तार ने तीन साल में 84 बार डॉक्टरों को दिखाया। बांदा जिला अस्पताल की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द की शिकायत थी। देखिए, 2018 की एक और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार को दिल का दौरा पड़ने से रोकने वाली दवाइयां दी गई। और अब आप ये देखिए, चंडीगढ़ में इलाज के दौरान की ये रिपोर्ट तब की है जब मुख्तार रोपड़ जेल में बंद था। यानी कि 2019 की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित था। मुख्तार लंबे समय से बीमार था, और इस बात की पुष्टि करने वाला एक और दस्तावेज आपको दिखाते हैं। 2019 में मुख्तार ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने लिखा था कि मैं 60 साल का आदमी हूं जिसे जेल में दो बार दिल का दौरा पड़ा है और मुझे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वगैरह जैसी बीमारियां हैं। इसके अलावा हम आपको 2020 की मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट पंजाब में इलाज के दौरान की है, जिससे ये बात साफ होती है कि मुख्तार डायबिटीज से पीड़ित था। एक था मुख्तार जिसे विरासत में मिली अच्छी परवरिश, पुरखों के अच्छे काम, लेकिन यही मुख्तार बन बैठा यूपी का सबसे बड़ा डॉन। ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ, बेहद दिलचस्प और खौफनाक हकीकत है। देखिए, मुख्तार अंसारी ने बड़े खूनी और खूंखार कारनामे से माफियागिरी का आगाज किया था। मंडी परिषद के चुनाव में हत्याकांड के बाद से उसका नाम उछला था। पुलिस की फाइल में एक बार नाम दर्ज होने के बाद मुख्तार अंसारी ने किसी की परवाह नहीं की, खुद का गैंग बनाया और सबसे खतरनाक शूटर जुटाए। मुख्तार के गैंग आईएस नंबर 191 यानी कि 191 ने पूरे पूर्वांचल में खूनी कोहराम मचाया। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कंप्लीट क्राइम फाइल। ये पाप की वो गठरी है जिसे तमाम उम्र सिर पर ढोता रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। इसमें और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हार्ट अटैक से हुई मुख्तार अंसारी की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आई है। न्यूज 18 इंडिया के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो इस बात को सिरे से खारिज करती है। परिवार जो आरोप लगा रहा था कि हाँ, जहर दिया गया, धीमा जहर दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आ गई है, जिसमें बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर। आनंद, चाहे परिवार हो या तमाम राजनीतिक दल हो जो आरोप लगा रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को साफ तौर पर बता रही है कि हाँ, मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। जी देखिए, बिल्कुल, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो तस्दीक करती है कि किसी तरह की कोई चोट मुख्तार अंसारी को नहीं लगी है, ये कोई हत्या उनकी नहीं हुई है। और इसमें मौत का जो टाइम है मुख्तार अंसारी का, वो भी इसमें दर्ज है, 9:50 पे उन्होंने दम तोड़ा है। इसमें उस पूरी बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा ये इसमें कॉज भी लिखी गई है, शॉक, मतलब कि हार्ट अटैक जो है वो उनको आया है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक जीता जागता सबूत है, उदाहरण, जिस तरह से जो आरोप लग रहे थे और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो कह रही है कि उनको जहर दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तमाम चीजों को सिरे से इनकार करती है। हालांकि बिस्तरा जो है वो अभी प्रिजर्व किया हुआ है और उसकी रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, और जिसमें बताया गया है कि इमीडिएट कॉज यानी कि हार्ट अटैक की वजह से, शॉक लगने की वजह से जो है उसकी मौत हुई है।
टाइम और डेट भी बताया गया, एग्जैक्ट टाइम और डेट जो है इसमें बताया गया, जिसमें बताया जा रहा है 28 मार्च 2024 9:50। अब मैं एक बार फिर से आनंद का रुख कर लेती हूँ। आनंद, देखिए अब परिवार ये नहीं कह सकता, क्योंकि पोस्टमार्टम की बात लगातार परिवार ये कह रहा था कि हम चाहते हैं कि एम्स में पोस्टमार्टम हो, लेकिन बावजूद इसके पोस्टमार्टम वहां पर हुआ और ये रिपोर्ट में साफ है कि देखिए हार्ट अटैक से ही मौत हुई थी, जिसमें लिखा हुआ है कि शॉक की वजह से मौत हुई थी। देखिए बिल्कुल, डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है और बाकायदा जो पंचनामा था वो भी परिवार की मौजूदगी में होता। पहले ही कल ही ये साफ हो गया था कि हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट जो आया है उसके चलते मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, लेकिन लगातार परिवार और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो है वो इसे एक साजिश बता रहे थे। लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में एक सबूत है, एक मेडिकल दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, जो ये तस्दीक करता है कि हार्ट अटैक से ही जो मुख्तार अंसारी है उसकी मौत हुई है और कितने बजे दम तोड़ा। इसमें यह भी तारीख और वक्त जो है वो मेंशन किया गया कि 28/3/2024 को 9:50 पर मुख्तार अंसारी ने आखिरी सांस ली। ठीक है आनंद, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें ये बात साफ है कितने बजे मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी और किस तारीख को हुई थी, 28 मार्च 2024 9:50 पर, और शॉक यानी कि हार्ट अटैक की वजह से जो है उसकी मौत हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्बास अंसारी ने पत्नी से फोन पर बातचीत की है, बड़ी खबर, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने पत्नी से फोन पर बातचीत की। अब्बास अंसारी ने पिता की मौत के बाद पहली बार बात की है, उसने पत्नी से फोन पर पूरी जानकारी ली, करीबन 5 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। कासगंज जेल में अब्बास अंसारी बंद है और अब्बास अंसारी लगातार इस बात की गुहार कोर्ट से लगाता रहा कि वो चाहता है कि मुख्तार अंसारी के आखिरी सफर में, अंतिम सफर में उसे पैरोल दी जाए। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या बातचीत हुई 5 मिनट तक? देखिए अब्बास अंसारी क्योंकि इस वक्त कासगंज जेल में बंद है, वो अपने पिता के अंतिम यात्रा में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इसकी इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद पूरी रात वो करवट लेते रहे, परेशान थे। आखिरकार थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत की है और उन्होंने पूरा मामला पूछा कि किस तरीके से, कितने बजे, किस तरीके से सुपुर्दे खाक किया गया है उनके पिता को। 5 मिनट तक तकरीबन इस पर बातचीत हुई है, हालचाल लिया गया है कि घर की स्थिति क्या है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है वो भी इस आखिरी सफर में मुख्तार अंसारी के शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि 75,000 रुपए का इनाम उन पर रखा गया, लुकआउट नोटिस भी जारी है। ऐसे में अब्बास अंसारी जो कि कासगंज जेल में बंद है, मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं, वो भी शामिल नहीं हो पाए, कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने फोन पर बातचीत की है और अब बातचीत की है। ये बात 8 मिनट की हुई है, घर की स्थिति के बारे में पूछा गया। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जो फिलहाल जेल में बंद है, वो लगातार इस बात की गुहार लगाता रहा कि वो मुख्तार अंसारी के अंतिम सफर में शामिल होना चाहता है, लेकिन शामिल नहीं हो पाया। और आखिरकार पिता की मौत के बाद पहली बार उसने अपनी पत्नी से बात की, और जो जानकारी अब तक मिल रही है, जैसा मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, अब्बास अंसारी फूट फूट कर अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत करते हुए रोने लगा। इतना ही नहीं, जो जेल के अधिकारी, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि देर रात तक जो है वो सो नहीं पाए, रात भर परेशान रहा। भाई है जो रस्म कुछ होना है।